Ben. Continue that. What job, Ben? Just. What are you about to do? Putting up. इस वीडियो को आप एक मिनट स्किप करके भी प्ले कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम फिर से वापस आ चुके हैं एक नए वीडियो के साथ। तो गाइज, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और इस हमारी बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। गाइज, हम बहुत सारे वीडियोज़ आपके लिए लाते रहते हैं, पूरे न्यूज़ से रिलेटेड जो भी वायरल मटेरियल होता है, जो भी बड़ी बड़ी डिबेट होती है, सबका हम आपके लिए प्रॉपर वीडियो लाते रहते हैं। तो आप हमारे चैनल से बने रहिए। कौमी असेंबली के इजलास में दूसरे रोज भी शदीद हंगामा बरपा हुआ। शहबाज शरीफ की तकरीर के दौरान हुकूमती अरकान डेस्क और सीटियां बजाते रहे। अरकान ने एक दूसरे पर बजट की किताबें भी उछाल दी। ऐवान के तकद्दस की परवाह ना खवातीन की मौजूदगी का ख्याल। कौमी असेंबली का ऐवान अखाड़े में तब्दील। बदतरीन हंगामा आई, गालम गलोच, शोर शराबा। बजट की किताबें उछलती रहीं, सीटियां बजती रहीं। कौमी असेंबली में शहबाज शरीफ ने तकरीर शुरू की तो हुकूमती अराकीन और वज़रा नशिस्तों पर खड़े हो गए और शोर शराबा शुरू कर दिया। शफकत महमूद ने किताब से डेस्क बजा कर वजीर तालीम होने का अमली मुजाहरा किया तो जरताज गुल ने वजीर माहौलियात होने का फायदा उठाते हुए माहौल को गरमाया। अली अमीन गंडापुर, मुराद सईद मुसलसल आवाजें कसते रहे। श्री मजारी ने भी भरपूर हाजिरी लगवाई। फहीम खान सीटियां बजाकर हंगामा आराई में अपना हिस्सा डालते रहे। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ कानों पर हेडफोन चढ़ाए हंगामा आराई से बेनियाज होकर मुसलसल बोलते रहे। इस दौरान राणा सनाउल्लाह और दीगर अराकीन ने इनके गिर्द हिसार बनाए रखा। स्पीकर अराकीन को चुप करवाने की कोशिश करते रहे। एक मरतबा तो शहबाज शरीफ स्पीकर पर भी चढ़ दौड़े, बोले इनको चुप करवाए, गोंगलुओं से मिट्टी ना झाड़े। जाम स्पीकर, इस तरह ना स्पीकर नहीं किया करते जिस तरह आप कर रहे हैं। ना करे, ये मैं देखो पंजाबी में कहते हैं कि गोलू से मट्टी उतार रहे हैं आप। नून लीगी अराकीन मोबाइल फोन से एहतजाज की वीडियो बनाने लगे, जिस पर स्पीकर ने अराकीन को ऐसे करने से रोका, फिर मोबाइल फोन जब्त करने का हुक्म दे दिया। इजलास के दूसरे राउंड में तो बात मार कुटाई और गालम गलोच तक जा पहुंची। पीटीआई के अली नवाज अवान ने गलीज गालियां देते हुए रोहेल असगर को किताब दे मारी। असेंबली में बजट की किताबें एक दूसरे की तरफ उछाली जाती रहीं। एक किताब शहबाज शरीफ को भी मारी गई जो उन्हें तो ना लगी, डाइस पर आ गिरी। नून लीग की जानिब से आने वाली किताब मुंह पर लगने से मलाइका बुखारी जख्मी हो गई। आखिरी राउंड में बात बढ़ी तो किताबों के बंडल हथियारों के तौर पर इस्तेमाल हुए, जिसके बाद हुकूमती बेंचेस से असद उमर, अली मोहम्मद खान और हमाद अजहर सर झुकाए निकल गए। कह दो कि ना शिकवा लबे मखमूम से निकले, उर्दू का जनाजा है जरा धूम से निकले। मशहूर शायर रईस अमरोही ने तो ये अशार लसानी फसादात के दुख पर कहे थे।
लेकिन आज कौमी असेंबली में होने वाले फसाद में जमहूरियत का भी जनाजा निकलता सारी दुनिया ने देखा। मोजिज़ ऐवान का वकार जिस तरह इसमें बैठने वालों ने खाक में मिलाया, जैसी गंदी जुबान इस्तेमाल की गई, नंगी गालियां धमकियां दी गईं, इन्हें सुनकर सारे पाकिस्तानियों के सर शर्म से झुक गए। लेकिन फर्क नहीं पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा होगा तो जमहूरियत के नाम निहाद अलम बरदारों को नहीं पड़ा होगा, जिन्होंने इस ऐवान के वकार को जूते की नोक पर रखा, जो मुंह में आया ऑल फॉल बका, जो हाथ में आया उठाकर दूसरे को दे मारा। आप देखें कि एक इजलास पर आवाम के करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, क्या इसलिए कि यहां एक दूसरे पर गंदगी और कीचड़ उछाला जाए? सितम यह है कि जब इस मुकद्दस ऐवान का वकार रौंदा जा रहा था तो इसमें क्या हुकूमत क्या अपोजिशन, हर कोई अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक हिस्सा डाल रहा था, कोई सीटियां मार रहा था, कोई मादर पिदर गालियां बक रहा था और कोई इस सारे तमाशे को देखकर लुत्फ उठा रहा था। बाकी वज़रा एक तरफ खड़े मुस्कुरा रहे थे। मेरा जमहूरी ऐवान को मछली बाजार बनाने वालों से सवाल है कि ये मंजर, ये गालम गलोच वो अपने खानदान के साथ बैठकर देखने का हौसला रखते हैं? मेरा तो ये मुतालबा है कि जब जब टीवी पर कौमी असेंबली की बराह रास्त कार्रवाई नशर हो तो इसके साथ ये लिखवा दिया जाए कि इसे बच्चे हरगिज ना देखें, खानदान के साथ बैठकर देखने से गुरेज करें। यह सिर्फ जज्बाती मुतालबा नहीं, इस ऐवान में बैठने वालों को कौम की राहबरी का दावा है। अब आप खुद अंदाजा कर लें कि इन राहबरों को अगर हमारे बच्चों ने फॉलो करना शुरू कर दिया था क्या और कर दिया तो क्या माहौल बनेगा। ये सच है कि इख्तलाफ राय जमहूरियत का हुस्न है, लेकिन ऐसा इख्तलाफ राय तो जमहूरियत में एतबार उठाने लगा है। यह नोहा सिर्फ एक जगह का नहीं, कौमी असेंबली से लेकर पंजाब असेंबली तक और पंजाब असेंबली से लेकर सिंध असेंबली तक यही नजारे हैं। कल पंजाब असेंबली सीटियों से गूंजती रही, आज सिंध असेंबली का यही मंजर था। क्या यह है जमहूरियत? माजरत के साथ अगर राहबरों ने अपना रवैया ना बदला तो आवाम का एतबार जमहूरियत से उठ जाएगा और इसका जिम्मेदार कोई और नहीं, हमारे यही राहबर कहलाएं। वीडियो यहां पर होता है खत्म, आप यहां से ये वीडियो छोड़कर जा सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में आपने देखा होगा स्टार्टिंग में जो क्लिप थी उसमें कई क्लिप तो मैं दिखा नहीं सकता, यूट्यूब की पॉलिसी के तहत बहुत ज़्यादा गालियाँ थी उसमें और बहुत ज़्यादा झपड़ टाइप की मतलब थी, जो आप देख सकते हो सोशल मीडिया पे वो आपको मिल जाएंगी। तो दोस्तों पाकिस्तान की मीडिया लगता है हिंदुस्तानी भाव और विराट कोहली से काफ़ी इंस्पायर हुई है और उन्हीं की तरह बिल्कुल बेफिक्र इस तरीके से बिल्कुल फैले जा रही है माँ बहन की गालियाँ, और स्पेशली हिंदुस्तानी भाव तो काफ़ी खुश होंगे ये वीडियो देख कर। ये मेरा थोड़ा सा सार्केज़म था, आप समझ सकते हो हिंदुस्तानी भाव इस समय यूट्यूब पर है नहीं, बहुत जल्द आने वाले हैं वापस। तो दोस्तों पाकिस्तान की संसद में आज ये हंगामा हो रहा था, पाकिस्तान में जो मतलब इमरान खान की गवर्नमेंट के सांसद, मुझे नहीं पता उन वहाँ पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को क्या बोलते हैं, मैं सांसद इसलिए वर्ड यूज़ कर रहा हूँ हिंदी में, तो सांसद जो हैं उन्होंने हंगामा किया। एक्चुअली में जो इमरान खान जो बजट लाए थे उसको लेकर बहस होनी थी, उस बहस के दौरान जो पाकिस्तान की अपोजिशन पार्टी है स्पेशली जो नवाज़ शरीफ की पार्टी है उनके छोटे भाई नवाज़ शरीफ भाषण दे रहे थे, उस समय हुआ ऐसा कुछ कि कुछ हो गई होगी ऐसी बात, तो जिसको लेकर एक दूसरे मतलब जो मेन पार्टी है वहाँ से हंगामा शुरू हुआ और वो हंगामा ऐसा बदला कि मतलब ये शायद हिस्ट्री में ऐसा पहली बार हुआ होगा कि जो औरतें हैं उनके ऊपर तक हमले हो गए और मतलब गाली गलौज और फुल ऑन पंजाबी में गाली दी जा रही थी गाइज़। हालांकि आपने देखा होगा इंडियन सदन में भी ऐसे हंगामे काफ़ी हुए हैं, बहुत ज़्यादा हुए हैं मतलब, लेकिन गालीबाजी की नौबत नहीं आई है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ है कि हल्ला और ये सब तो बहुत हुआ है आपने देखा होगा, लेकिन ये मतलब ये नेक्स्ट लेवल था, ये मतलब वेब सीरीज़ के ज़माने में वेब सीरीज़ वाला सिस्टम था। और आप देख सकते हो स्टार्टिंग में, मैं पहले ही बोल रहा हूँ कि मतलब इसमें जो वीडियो है वो फुल मतलब वो वाली वीडियो नहीं डाल सकता हूँ यूट्यूब की पॉलिसी के तहत, तो वो वीडियो आपको इसमें नहीं मिलेंगी, लेकिन आप जो ट्रेलर से अंदाज़ा लगा सकते हो कि वहाँ पर जो फिल्म चली होगी वो कितनी ख़तरनाक रही होगी। और फुल ऑन गालीबाजी हो रही थी, माँ बहन चल रही थी, उनको लग ही नहीं रहा था कि वो कैमरे में है, सांसद हैं क्या हैं, वो उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था। हालांकि मतलब मैं आपको बता दूं कि इंडिया में भी स्टेट असेंबली में ऐसा कुछ हो चुका है एक बार, शायद मुझे याद नहीं है, ब्लैक पेपर स्प्रे शायद इस्तेमाल किया गया था और इस तरीके की चीज़ें हो चुकी हैं इंडिया की सदन में, लेकिन इतना नीचे जो शब्दों का प्रहार है वो नहीं हुआ है, मतलब आप समझ सकते हो, इसमें देख सकते हो।
तो दोस्तों अभी और भी वीडियो आएंगे इसमें इंटरेस्टिंग। ये तो मतलब सस्ते पत्रकारों के वीडियो थे पाकिस्तान के, मैंने सोचा ये न्यूज़ थोड़ा सा अभी वायरल हो रही है तो इस पर तुरंत वीडियो बनाया जाए। अभी जो इंटरेस्टिंग है, जो पाकिस्तान के फेमस एंकर हैं उनके वीडियो आपको मैं दिखाऊंगा। उसके लिए आपको करना क्या है, उसके लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपको जो नोटिफिकेशन बटन है, बेल आइकॉन है, उसको जरूर प्रेस करना, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिले जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ। तो गाइज़ धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। जय हिंद।